आप सभी, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा, जहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री और आज से आप पढ़ेंगे मैथ्स भी। तो फ्रेंड्स, मैथ्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस करेंगे, उसके बाद ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूले और मैथ्स पढ़ाने आ रहा है मेरा भाई सुमित। कम सुमित, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, टेंजेंट नॉर्मल, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे उसकी फॉर्मूले, फिर करेंगे हम उसकी एनसीईआरटीज। तो आपको सब कुछ जैसे कि आपको अभी पता चला कि हम आज क्लास 12th मैथमेटिक्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, न्यू चैप्टर हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर है। तो ये जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिख रखे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा मिनिमा एज पर रिड्यूस सिलेबस। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से 3 टॉपिक ही बचे हैं, उसमें से रिड्यूस भी हुआ है। तो हमारे जो टॉपिक बचे वो हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें यूज़ होने वाले कंसेप्ट फॉर्मूलेज, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस किस हिसाब से करने हैं, हमें कौन से कंसेप्ट वहाँ यूज़ करने हैं मैथमेटिक्स में। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, ये बेसिक है स्लोप फाइंड करने का, जिसको हम m बोलते हैं, वो है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अब मान लीजिए, अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे हम। तो मान लीजिए हमें पॉइंट दे रखा है एक, इसको मान लेते a पॉइंट, जिसमें हमें दे रखा है 1 2 मान लीजिए, और इधर हमें b पॉइंट दे रखा है, जो हमें दे रखा है 3 5। अब हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट का स्लोप। तो हमें पता है ये है x, ये है y, ये है, इसको मान ले x1 y1, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, इसको x2 y2, इसको x1 y1। अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट पता है, y2 हमें दे रखा है 5, y1 दे रखा है 2, और नीचे x2 दे रखा है 3 एंड x1 दे रखा है 1। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए, हमने निकाल लिया 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 1 2। तो हमारा जो स्लोप आया वो आया 3/2। तो ये एक प्रकार से जनरल फार्मूला है, ये यहाँ AOD में, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में बहुत यूज़ होगा। तो आपने देखा कैसे इस फॉर्मूले से हम इन दोनों पॉइंट का, इस बीच का स्लोप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसका अगर हमें स्लोप निकालना है, मान लीजिए हमें, जैसे ये जनरल इक्वेशन है AX BY + C। सो AX + BY + C = 0। ये जो होते हैं, ये होते हैं कोफिशियंट्स आगे, और ये होता है कॉन्स्टेंट टर्म्स, ये होते हैं कोफिशियंट, ये होते हैं कॉन्स्टेंट, और ये तो हमें पता ही है वेरिएबल्स। सो हमें ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। अब हम एक एग्जांपल लेके स्लोप फाइंड करते हैं। हमें स्लोप का इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता है, जैसे कि अभी हमने देखा -a/b। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2x - 4y + 5। अब अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, तो हमें x मिल जाता है, उसका कोफिशियंट आगे का मिल रहा है, y मिल रहा है, उसका कोफिशियंट मिल रहा है, और ये कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट। अब हमें स्लोप निकालना है, हमें जनरल इक्वेशन में स्लोप दे रखा था m = -a/b, मतलब a का कोफिशियंट माइनस ऑफ a का कोफिशियंट अपॉन माइनस ऑफ x का कोफिशियंट, जो है a, और b का कोफिशियंट
सॉरी y का कोफिशियंट जो है b। सो हम यहाँ अगर हम इससे हमने जो इक्वेशन एक मानी है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो ये x का कोफिशियंट 2, ये माइनस तो 4 दे ही रखा है हमें साथ में माइनस 4, जो कि ये यहाँ जनरल के हिसाब से y का कोफिशियंट और ये नेगेटिव साइन, तो हमें स्लोप मिल गया 1/2। तो हमें अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है और हमें अगर उसका स्लोप निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये जो स्लोप है ये हम किसी दो पॉइंट के बीच हमें अगर स्लोप निकालना है तो उससे निकालेंगे, और ये स्लोप ऑफ लाइन हमें कोई लाइन दे रखी है जैसे अभी एग्जांपल में अपन ने देखा, और ये जो है ये एंगल ऑफ टू लाइन है, ये भी जनरल फार्मूला है। इसका यूज़ यहाँ एओडी में कम हुआ है, पर इसका यूज़ आप देखेंगे तो हमारे 11th का चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, तो 11th का चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, तो उसमें ये फार्मूला बहुत यूज़ हुआ है। एंगल ऑफ टू लाइन, दो लाइन दे रखी है उसके बीच का एंगल निकालना है हमको, तो हमने m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, तो हमारा जो m1 है ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ये m2 है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, और यहाँ पर 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ उन दोनों लाइन का स्लोप। अब ये जो है ये कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें एओडी में, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। मीन्स अगर हमें दे दिया कि ये एक लाइन है इस पे ये ऐसी, मीन्स अगर हमें ये दे दिया ये एक लाइन है, तो ये लाइन ये मान लीजिए एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है इस पे परपेंडिकुलर आ रही है, हमें इस लाइन की इक्वेशन दे रही है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और हमें अगर यहाँ पर ये जो लाइन थी इसका मान लीजिए स्लोप दे रखा है निकाल लिया, और हमें इसका स्लोप निकालना है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। जैसे एक लाइन का स्लोप दे रखा है तो m1 into m2 equals to minus 1, और उसी को अगर हमें m2 का स्लोप दे रखा है हमें m1 का निकालना, तो m1 equals to minus 1 upon m2। सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हम क्वेश्चंस में इसे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है m1 into m2 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल्स टू माइनस 1। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला यूज है वो इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ये एक्स वाई, ये हमें दो कोई पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये हमारा है स्लोप। तो हम ये इक्वेशन से आसानी से हम ये जनरल इक्वेशन ये फार्मूला यूज़ कर हम हमारी उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये भी हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी वहाँ पर बहुत यूज़ हुई थी, तो अब यहाँ पर m को मॉडिफाई करके dy/dx ले लिया m की जगह, हमारा जो AOD है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हमारा जो चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा चैप्टर था उसकी ये एप्लीकेशन है, उसमें हमने dy/dx सीखा था कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर अब हम जो स्लोप निकालेंगे वो अगर हमें जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है, हमें कोई इक्वेशन दे रखी है y=x²-2x+3, अब हमें बोल दिया कि इस लाइन का स्लोप निकालो, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अच्छे से dy/dx करके, डिफ्रेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 2x, हमने सीखा था ये यहाँ आ जाता है ये, और इसमें माइनस 1 हो जाता है और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा जो आएगा। और हमें अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट दे रखा हो, मान लीजिए हमें x कोऑर्डिनेट या x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो हम यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 4-2, 2, तो ये हमारा स्लोप। तो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में डिफ्रेंशिएट करके उस इक्वेशन को हम उसका स्लोप निकाल पाएंगे। तो ये तो बात हो गई,
ये बात हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन निकालने की। बस हमने m को dy by dx से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, यहाँ पर dy by dx हम करेंगे जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसका, और हमें पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसका हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे, हमें नॉर्मल की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो हम बस क्या करेंगे, सेम यही हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, बस उसमें जो dy by dx है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ माइनस, तो जैसे यहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ जो जैसे यहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, पीछे देख लेते हम, जैसे यहाँ पीछे जो इक्वेशन दी उसमें हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2। अब हमें पूछ लिया, कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन को पता है नेगेटिव ऑफ 1/dy/dx, हमें dy/dx दे रखा है, ये dy/dx स्लोप हमें पता है कैसे निकालना है डिफरेंशिएट करके, माइनस ऑफ 1/ और ये 2। तो हमें ये स्लोप टेंजेंट का दे रखा था, हमें उसका जब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो हम उसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें ये स्लोप मिल गया। ये फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले हमें हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं फॉर्मूले। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को, इक्वेशन टेंजेंट निकालने को आती ही आती है। अब हमने यहाँ बात करी थी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, और अब हम बात करेंगे जब यहाँ पर दो लाइंस परपेंडिकुलर थी तो उनके अपन जो स्लोप थे उनका प्रोडक्ट लेकर इक्वल्स टू -1 करते थे। अब अगर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो हम उनके स्लोप्स जो आएंगे दो लाइन के, दोनों लाइन मान लीजिए दो लाइन है पैरेलल है, तो इनके जो स्लोप होंगे m1 और m2 इनको हम इक्वल में रखेंगे, और फिर उससे हमें जो कंडीशन दे रखी होगी उस हिसाब से हम इन फॉर्मूलेस जो है इनको यूज़ करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स या फिर हमें परपेंडिकुलरिटी पैरेललिटी का जो कंडीशन दे रखी होंगी हम वहाँ पर ये सब यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलेस आपको बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेस है सारे, ये यूज़ होंगे, एक बार देख लीजिए, ये स्लोप जनरल, स्लोप ऑफ लाइन देख लीजिए, ये वही है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, वहाँ पर टेंजेंट का आया था ना स्लोप 2 आया था, फिर अपन ने -1/2 करा था, तो वही। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलेस बता दिए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से समझे हैं तो वहाँ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आएंगे, कि क्वेश्चन सिंपल है, कुछ जगह पर हमें ये सारे फॉर्मूले जो हैं बहुत अच्छे से यूज़ में आएंगे वहाँ पर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वो सब्सक्राइब का बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।